रत्नाकर त्रिपाठी जी, अब बीजेपी हो आरएसएस हो, इस मुद्दे को भुनाएगी ही, क्योंकि जब से बीजेपी का अस्तित्व आया 1980 के बाद से लगातार उसका ग्राफ जब जब बढ़ा है तो वो ध्रुवीकरण की सियासत के जरिए ही बढ़ा है। राजनीतिक पंडित इस बात को मान रहे हैं, तो उसकी काट लेकर आए हैं आप लोग, जातिगत जनगणना करवा लो, पीडीए का फॉर्मूला, उसी की तो ये काट है। और बीजेपी कह रही है तीर बड़े सटीक जगह पर लगा है विपक्ष के। खोटे सिक्के कभी बाजार में भुनते नहीं है चित्रा जी, तो इन्हें खोटे सिक्कों को भुनाने दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हाँ, रागी जी का मैं साधुवाद देना चाहूंगा कि आज उन्होंने ये तय कर दिया कि माननीय अशोक सिंघल जी जैसा कोई नेता नहीं, मोदी भी नहीं। अशोक सिंघल ही झंडा बरदार थे हिंदुओं के, मेरी मातृ संस्था काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पढ़े हुए थे, चलिए उनकी बात मानता हूं। मोदी में कहां दम है, तो मैं शुरू से कह रहा हूं, हिंदुओं की क्या रक्षा करेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, क्या कर रही है, अरे सटेंगे तो कटेंगे। देखिए ना, उत्तर प्रदेश में सट गए तो मोहित पांडे चिन्हट थाने में कट गए, मार डाल दिए गए। अब बताइए कटे कि नहीं कटे, ब्राह्मण थे इसलिए योगी जी उसके घर नहीं गए, उनके मरे हुए जिसकी हत्या हुई है उसके परिवार को अपने आवास से बुलाते हैं, 10 लाख का चेक देते हैं। आप मुझे बताइए, अगर चिन्हट थानेदार ने उसको मारा नहीं तो 10 लाख का चेक कैसा, और अगर मारा तो चिन्हट वालों के घर पे बुलडोजर क्यों नहीं, और कोई मर गया उसके परिवार को घर पे बुलाया जाता है। नफरत है ना ब्राह्मणों से, जाति की गणना क्यों बात हो रही है। देखिए, विवेक तिवारी मारा गया था लखनऊ में, उसके परिवार वालों को भी योगी जी ने घर पे बुलाया था। आप मुझे बताइए अब बटेंगे, अरे बुलाया था सर, यूं ना करिए। डीएम कंपाउंड कानपुर में महिला की लाश 6 फुट नीचे गाड़ दी जाती है, मुसलमान था क्या वहां पर। जब भी आप भाजपा से सटेंगे तो कटेंगे। अजय आलोक जी धमका रहे हैं ना, हिंदू बहुसंख्यक है, अगर हिंदू ठीक नहीं रहेगा तो कोई ठीक नहीं रहेगा। बा महाराज, आपको जो बहुसंख्यक होता है उसको अल्पसंख्यक की रक्षा करनी चाहिए कि धमकाना चाहिए। आप यहां खड़े खड़े धमका रहे हैं कि हिंदू रहेगा तो रहेगा, नहीं रहेगा नहीं रहेगा, और आप इतिहास लिखते लिखते थक गए हैं अजय आलोक जी, आप लिख नहीं पाए हैं। दो लोग की फनक से भारत बटा, लिख दो ना भाई कहीं पे, लिख नहीं पा रहे हो, क्योंकि पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में आपकी जो 27 जून 2023 से मातृ संस्था हुई है ना भाजपा, वो कहीं थी नहीं, संघ कहीं थी ही नहीं। अभी भी देखिए ना, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकारिणी के सदस्य माननीय इंद्रेश कुमार जी अभी परसों करेंगे हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर जियारत, दीपों की जियारत करेंगे, दिवाली मनाएंगे वहां पर। तो ये कंफ्यूज लोग है चित्रा जी, इन्हें पता ही नहीं क्या करना है, कभी हिंदू पे दौड़ते हैं, कभी मुसलमान को मारने दौड़ते हैं, कभी। और जातिगत जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए, जाति इस देश का सत्य है, आप मुझे बताइए है कि नहीं। यहाँ आप कॉलम में जाति लिखवाते हैं, धर्म लिखवाते हैं, तो उसकी जनगणना क्यों नहीं होनी चाहिए। आप इस बात को मुतमईन रहिए, आप जाति की जनगणना कराए न कराए, जाति जनगणना एक छद्म रूप से सामने है, सामने सामने आ जाएगी। ठीक है, अजय आलोक जी से मैं जवाब ले लेती हूँ, अनुराग जी उसके पास, उसके बाद मैं आऊंगी आपके पास। बोले अजय आलोक जी, एक एक करके कई सवाल उन्होंने दागे हैं। ये कह रहे हैं कि बहुसंख्यकों को अल्पसंख्यकों की रक्षा करनी चाहिए। इतिहास उठा के देख लीजिए कि सिर्फ हिंदू बहुसंख्यक देश ने ही अल्पसंख्यकों की रक्षा की है, सिर्फ, मैं फिर कह रहा हूं, सिर्फ हिंदुओं ने ही रक्षा की है, और इसीलिए आज यहां भारत का मुसलमान बहुत आराम से रहता है। नहीं तो उठा के देख लीजिए, उठा के, बीच में नहीं बोलिए, मैं बोली बोल रहा हूं, उठा के इतिहास देख लीजिए कि जहां जहां बहुसंख्यक मुसलमान रहे, बहुसंख्यक मुसलमान रहे, उन्होंने अल्पसंख्यकों को खत्म कर दिया। अरे बगल में उदाहरण है आपके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, क्या हो रहा है हिंदुओं के साथ। लेबनन ले लीजिए, लेबनन छोड़िए, हटाइए ये सबको, लेबनन ले लीजिए, लेबनन में सीरिया से आए हुए मुसलमानों के पहले ईसाइयों की संख्या 52% थी, अब मुसलमानों की संख्या 38% थी, और आज लेबनन इस्लामिक देश हो गया। कैसे हुआ? दारुल इस्लाम बनाने की एक जो फितरत है ना, दारुल इस्लाम बनाने की, कि हर जगह इस्लाम हो, यह फितरत गंदी है। अब भारत को अभी ये लोग दारुल फरब मानते हैं, लैंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, जहां पे थोड़ी ताकत आ गई है, और उसी ताकत से और ताकत बढ़ाते हुए इसको भी इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं क्या? और आपके जैसे जयचंद उसको सपोर्ट करते हैं, तो मुझे दुख होता है कि हिंदुओं के इसी कमजोरी के कारण भारत का विभाजन हुआ था। अब भी नहीं चाहते ना, तो सही में बटेंगे और कटेंगे, और कटने में सबसे पहले आप लोग रहेंगे, जो आज मलहम लगा रहे हैं ना, काटने की जो बारी आएगी सबसे पहले आप ही लोगों को काटेगा। अनुराग भदौरे जी, देखिए बीजेपी अगर ये नारा दे रही है, ठीक है, उसके पीछे की बड़ी वजह ये है ना, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर विकास का कामकाज खूब किया गया है,
वहां पर जितनी भी सरकारी सुविधाएं थी वो सब दी गई हैं, लेकिन वहां से अगर बीजेपी को एक भी वोट नहीं मिलता है, इसका सीधा मतलब ये निकाला जाएगा कि मुसलमानों से को भाई विकास से तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कई ऐसे गांव हैं, कई बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री भी जुड़े, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बहुल इलाकों में हम लोगों ने खूब विकास का काम करवाया, लेकिन जब वोट देने की बारी आई तो उनमें से एक भी वोट इन लोगों को नहीं मिला, इसी वजह से ये लोग ये नारा दे रहे हैं, ये बता रहे हैं कि मुसलमानों को कामकाज से कुछ लेना देना ही नहीं है, वो धर्म के आधार पर एकजुट हो जाते हैं। देखिए उत्तर प्रदेश में 2017 में समाजवादी ने बहुत काम किया, एक्सप्रेस वे बनवाया, मेट्रो बनवाई, 1090 बनवाया, पार्क बनवाए, स्टेडियम बनवाए, समाजवादी पेंशन दी, लैपटॉप दिए फ्री में। आप बताइए हमने जहां से एक्सप्रेस वे बनाया, अगर हम चुनाव हार गए तो क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश में लोग, अगर हम वहां पे चुनाव हम सत्ता में दोबारा नहीं आए तो हम लोगों को दोष देने लग जाएं, ये बोलने जाएं यहां पे इस जाति के इस धर्म के लोग रहते हैं, ये बीजेपी क्या हो गया बीजेपी को, मतलब कमाल है। दूसरी बात, एक चीज याद रखिए आलोक जी, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। इस हिंदुस्तान की खासियत ये रही है कि यहाँ इंसान हमेशा पैदा हुए हैं, और इंसान ने हमेशा पूरे विश्व को आईना, पूरे विश्व को उन्होंने राज किया है और विश्व को आईना दिखाया है, हम विश्व गुरु इसीलिए कहे जाते थे। दूसरी बात आपने बोली, मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर में लखनऊ में अमन गौतम नाम का दलित व्यक्ति है, लड़का एक, पुलिस पकड़ के ले जाती है, पीट के मार देती है, कौन था वो, क्या हुआ उसके लिए, किसको आपने जेल में डाल दिया दोबारा, या जिनकी बात करें मोहित पांडे जिसको पुलिस ने पकड़ के मार दिया, पानी मांग रहा था उसको आपने जेल में बंद कर दिया, जेल में क्या थाने में, और वो पानी मांगता रहा, पानी दे दो पानी दे दो, पानी तक आपने नहीं दिया, इतने निर्दयी हो जाएंगे, इतने कठोर हो जाएंगे, कौन था मोहित पांडे जिसे पानी तक नहीं आप नसीब नहीं हो पाएगा थाने के अंदर और वो दम तोड़ देगा, ये आपने कानून व्यवस्था बना रखी उत्तर प्रदेश के अंदर में, ये आपका धर्म की राजनीति है, अपनों का सम्मान नहीं, दूसरों का सम्मान नहीं, इसलिए कहते हैं इंसान बनिए, इंसान का सम्मान कीजिए कम से कम, ये जाति धर्म में बांट के आप राजनीति करना चाहते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं, तो देश के लिए खतरनाक है, हिंदुस्तान के लिए खतरनाक है, हिंदुस्तान पूरे विश्व में जाना जाता है, लेकिन जब पॉलिटिक्स में उतरते हैं तो कौन इस बात से इनकार करेगा कि वहां पर जाति की पॉलिटिक्स आपकी पार्टी नहीं करती है, कौन इस बात से इनकार करेगा कि बीजेपी धर्म की पॉलिटिक्स नहीं करती है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।